तमाम मेरे गाड़ी फ्रेंड्स को वाजे सोमर सिंह में बहुत बहुत खुश आमदेद। मेरे गाड़ी फ्रेंड्स, इस वक्त मेरे रूट ऑफ गार्डन में जितने भी आप ये विंटर के ये फ्लावरिंग प्लांट्स देख रहे हैं, मोस्टली तमाम ही बे स्टेप बाय स्टेप है, जो फ्लावर्स हैं वो खिलने का सिलसिला शुरू है। जैसा कि मैंने हैंगिंग बास्केट्स में भी है ये विंटर ही के फ्लावर्स लगाए हुए हैं, इसी तरह मेरे वेजिटेबल कॉर्नर गार्डन में जो टोमेटोस है, ये जो चेरी टोमेटोस मैंने लगाए हैं इनके भी है, ये चेरी टोमेटोस है, साथ साथ ये बनने का सिलसिला शुरू है और बेतहाशा इनमें है, येलो येलो रंग के हैं ये फ्लावर्स हैं, खिले हुए हैं। और अगर इस तरफ आए तो स्ट्रॉबेरीज के हवाले से यहाँ भी है, इसकी मैंने वीडियो भी अभी रिसेंटली अपलोड की थी, फ्लावर्स के हवाले से बेतहाशा फ्लावर्स खिले हुए हैं और साथ साथ हैं ये स्ट्रॉबेरीज है, जैसे आप ये देख रहे हैं यह भी बनने का सा सिलसिला स्टार्टअप है। इसी तरह मेरे गार्डन फ्रेंड्स, मेरे रूफटॉप गार्डन में जो मैंने कटिंग्स लगाई हुई थी, मुख्तलिफ किस्म की कटिंग्स हैं, उनकी भी बहुत ही हेल्थी ग्रोथ जा रही है। आज की मेरी वीडियो, इस वक्त आप ये हेल्थी बुशी ये प्लांट्स देख रहे हैं, ये दो पोर्ट्स में है, ये स्नेक के प्लांट हैं और मेरे पास ये दो वराइटीज के हैं स्नेक के ये प्लांट हैं, और ऐसे भी एयर प्योरीफायर ये प्लांट है, जैसे कि ये एक है ये वेरीगेटेड, दोनों ही वेरीगेटेड लीव्स के प्लांट्स हैं, लेकिन इसमें वेरिएशन क्या है कि इसमें ग्रीन के साथ है जो साइड्स पे है येलोश, आपको दोनों तरफ है लाइन्स नजर आ रही होंगी, और ये टोटली है ये ग्रीन्स हैं, लाइनिंग की है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये यहाँ आउटसाइड पे है, किसी किस्म की है, कोई येलो का है पर नहीं नजर आ रहा है, इसलिए दो वराइटीज मेरे पास हैं। बेसिकली आज की मेरी वीडियो इस इन प्लांट्स की प्रोपोगेशन के हवाले से है, और फरवरी का जो महीना है बेस्ट सीजन है, फरवरी का महीना जो कि ना कि सिर्फ बाहर के खिलखिलाते फूलों का मौसम है, बल्कि जितने भी आपके प्लांट्स हैं खासतौर पर ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, इनकी प्रोपोगेशन का, इनकी अगर कटिंग्स लगाने का भी बेहतरीन मौसम है। और ये प्लांट ये देखें, इसके साथ साथ ये बेबी प्लांट्स हैं, ये भी साथ साथ है, निकलने का सिलसिला शुरू है, यहाँ भी है, यहाँ भी मेरे गार्डन फ्रेंड्स है, ये दो तीन तीन ये प्लांट्स हैं, ये स्नेक के हैं, ये बने हुए, एक तो बड़ा प्लांट हो गया हुआ है, एक ये छोटा सा ये प्लांट है, जैसा भी ये देख रहे हैं ये दो प्लांट है, और ये शुरू का मदर का मेरा मदर प्लांट था मेरा, ये स्नेक का आगे एक प्लांट से है, तकरीबन कोई तीन प्लांट्स हैं फर्दर बने हैं। और इसी तरह ये मैंने कुछ कटिंग्स लगाई हुई थी, जैसे कि आप देख रहे हैं बकार इसको, इन्हीं को कट ऑफ करके मैंने इसको ग्रो करवाया था और इसकी भी बड़ी हेल्थी ग्रो जा रही है, और ये प्लांट है इसकी भी। और आज बेसिकली मेरी जो वीडियो है इनकी प्रोपोगेशन है, आज मैं इन्हीं प्लांट्स को है इस बड़े से पॉट में, नॉर्मली कोई 10 इंच का ये पॉट होगा, इसमें मैं इन प्लांट्स को है प्रोपोगेट करूँगा, और दोनों ही वराइटीज को, यानी जो 7-7 इंच के पॉट से तकरीबन कोई 10 इंच के पॉट में है ये ट्रांसप्लांट होंगे, और बड़े प्लांट यहाँ चल शिफ्ट हो जाएंगे और छोटे प्लांट है वो सेपरेट हो जाएंगे इनकी प्रोपोगेशन के हवाले से, जिनके है जो बेबी प्लांट्स बने हैं, और ताकि ये प्लांट्स हैं यहाँ बड़े में शिफ्ट हो और इन बेबी आगे इसी तरह के बेबी प्लांट्स बने, और क्योंकि वैसे भी रूट बॉन्डिंग हो जाती है अगर आप इन टाइम अगर जो प्लांट्स की है प्रोपोगेशन ना करें। तो अब करते हैं प्रोपोगेशन के हवाले से, जहाँ तक मैंने मट्टी में है, मैंने रेत मिक्स की हुई है, और साथ ही मैंने ये तो गोबर की खाद है, जैसे आप ये देख रहे हैं जस्ट मैंने ये गोबर की खाद है ये इसमें ये डाली है, पहले से मिक्स कर दी हुई है, गोबर की खाद है जैसे आप देख रहे हैं, और मैंने कुछ फर्दर कोई चीज़ इसमें ऐड अप नहीं की, जस्ट ये तीन चीज़ें ली हैं, और अब बिना टाइम ज़ाया किए हुए इसको ज़रा प्रोपोगेट करते हैं और फिर आगे ज़रा देखते हैं कि कैसे आउटलुक होती है इस 10 इंच के गोल पॉट में है इन स्नेक प्लांट की है। जैसा मेरे गार्डन फ्रेंड्स देख रहे हैं, मैंने ये पॉट से ये निकाल लिया हुआ है, अब मैंने सेपरेट करूंगा, बड़ा प्लांट मैं वहाँ शिफ्ट करूंगा, छोटे छोटे प्लांट हैं बेबी प्लांट्स हैं इन छोटे से डिस्पोजेबल पॉट में है इनमें मैं लगाऊंगा, ताकि ये ज़ाया तो नहीं ना करें, ये प्लांट हैं और यही प्लांट हैं एक तरह के परमानेंट प्लांट हैं आपके फॉर एवर रहने वाले हैं, एक प्लस प्लांट आपने लेना है, उसके बाद आगे फर्दर आपके प्लांट्स हैं आपके गार्डन में बनते जाएंगे। और वैसे भी एयर प्योरीफायर प्लांट है, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा, जहाँ चाहे आप इंडोर रखें, सेमी पार्शियल शेड में रखें, जहाँ आप रखना चाहें पसंद करें आप रख सकते हैं इस प्लांट को। जैसे मैंने गार्डन फ्रेंड्स देख रहे हैं, दोनों ही वराइटीज के स्नेक प्लांट को मैंने ये 10 इंच के बड़े से पॉट में है ये प्रोपोगेट कर लिया हुआ है, जैसे आप ये देख रहे हैं, और
ये जो बेबी प्लांट्स है, एक मैंने ये छोटे से ये डिस्पोजेबल में ये पॉट में लगाया हुआ है, और आगे है फर्दर्स हैं, जैसे ये छोटे छोटे बेबी प्लांट्स आप देख रहे हैं, इन्हीं के आगे हैं जो मैंने कटिंग्स लगाई थी, इनकी भी रूट्स बनी हुई हैं जैसे, और आगे इनमें से फर्दर हैं छोटे छोटे बेबी प्लांट्स हैं, यहाँ भी बने हुए हैं। इसी तरह ये भी कटिंग्स लगाई थी, इसके भी साथ छोटे छोटे आगे बेबी प्लांट्स हैं, बनने का सिलसिला शुरू है। और ये भी आपके प्लांट्स हैं, बिल्कुल बाकायदा काम आएंगे, एक से मल्टीपल प्लांट्स आपके बंद जाएंगे। और उम्मीद करेंगे कि मेरे गार्डन फ्रेंड्स को आज की ये वीडियो है ये स्नेक प्लांट की प्रोपोगेशन के हवाले से ये पसंद आएगी। अब देते हैं इन्हें पानी अच्छी तरह, और इन्हें अपने रूफटॉप में ही पार्शियल शेड में 2 से 3 दिन रखूंगा, उसके बाद मैं नीचे से अपने सहन में शिफ्ट आउट करूंगा। बाय फ्रॉम वाजेश होम सिंगार।